अभी और एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लोग को सर्वलेट का ही बनाना है प्रैक्टिकल। लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आपको दो नंबर यूज़र से लेने हैं, सिलेक्ट करना है ऑपरेशन, और ऑपरेशन सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ कहा है क्या? कुछ भी कहा नहीं है। देन कैलकुलेट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कॉल अ सर्वलेट टू कंप्यूट द आंसर एंड डिस्प्ले इट टू द यूज़र। ओके, सो दो टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे। ओके, देन ऑपरेशन सेलेक्ट करने के लिए आप रेडियो बटन भी ले सकते हो, लेकिन मैं सेलेक्ट लूँगा क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि रेडियो बटन लेना है सेलेक्ट लेना है, तो सेलेक्ट अपना काम आसान कर देगा। ओके, एंड देन क्लिक बटन है, मतलब कैलकुलेट बटन है, वो कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पे जाके जो कुछ भी काउंट करना है करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स यूज लेट्स क्रिएट अ न्यू सर्वलेट कॉल एज कैलकुलेटर, कैल लिख देता हूँ। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन कैल। ओके, अब क्लास में आ गए। अब लेट्स गो, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। अब यार रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, मतलब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करता है? तो अपन पहला तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर से पहला चीज मैं बोलता हूँ ओपी। ओपी इज माई ऑपरेशन। ओके, इफ ओपी इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दिया कि क्या कहता एडिशन, ठीक है, अगर एडिशन रहेगा तो क्या करूँ? ओके, देन एल्स इफ, अगर ओपी मेरा सब्स्ट्रैक्शन रहेगा तो मैं क्या करूं? एल्स अगर ओपी मेरा डिवीजन रहेगा तो क्या करूं? एल्स अगर मेरा ओपी मल्टीप्लिकेशन होएगा तो मैं क्या करूं? सो क्या क्या करना है समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ ले रहा हूँ, इंट ए, ओके, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा नम वन। अब आप बोलते रहोगे कि सर HTML फाइल नहीं बनाया, पहले वो बनाना ज़रूरी है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, ये अपने ऊपर है, मैं सिर्फ याद रखूँगा इनके नाम और वहाँ पे बराबर दे दूँगा। चेक कर लेते हैं। मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ कि डायरेक्टली हम लोग बिना वो सर्वलेट बना, आई कैन से बिना HTML बनाए कैसे ऐसे कॉल करना है। ओके, टेस्टिंग के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग थोड़ी HTML विस्टीमल बनाते बैठेंगे। सो दैट्स इट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दोनों को एडिशन करने का है तो क्या करने का है यार, आउट डॉट प्रिंट। अरे भाई, आउट डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करने का है? ए प्लस बी एडिशन ना, खत्म। यहाँ पे क्या करना है? ए माइनस बी। यहाँ पे क्या करना है? ए डिवाइड बाय बी। यहाँ पे क्या करना है? ए मल्टीप्लाइड बाय बी। दैट्स इट। ओके, राइट क्लिक करो, इसको रन करो, एरर आने वाला है क्योंकि पैरामीटर्स कोई भी नहीं है। यहाँ पे पैरामीटर बना लो, क्वेश्चन मार्क डालो, ओपी इज इक्वल टू एड, मतलब एडिशन, एम परसेंट डालो, नम वन इज इक्वल टू टू, एम परसेंट डालो, नम टू इज इक्वल टू थ्री। ओके, तो ऑपरेशन क्या है? एड। ओके, देन होने क्या वाला है? नंबर और नम टू क्या वैल्यूज एड होने वाला है, चेक इट आउट। अरे कुछ मतलब ही नहीं बना, क्यों नहीं बना ऐसा? इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। वो बोल रहा है कि अरे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग ऐसे नहीं होता यहाँ पे। ओके, डॉट इक्वल्स लिखना पड़ता है तब जाके कंपैरिजन होगा, तो यार मेरी गलती। ओके, सो क्या करते मालूम है, इसको कॉपी कर लेते, थोड़ा काम करना सही रहता है। मैं इधर तक कॉपी कर लेता हूँ। अरे क्या हुआ इसको, डॉट से लेकर यहाँ तक कॉपी, ओपी के आगे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट पेस्ट, खत्म खत्म। ओके, सो वही मैं समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? लेट्स कॉपी इट। ओके, लेट्स सेलेक्ट इट, लेट्स पेस्ट इट, देन हियर।
देन यहाँ पे भी सेलेक्ट इट, पेस्ट इट, देन हियर ब्रैकेट दे देना, ओके। ऐसा करके हम लोग ने एकदम सही सही वे में काम कर दिया। इसी देखो अब काम हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, तो हो गया। अभी यहाँ पे ऐड के जगह पे लिख दूंगा सब, तो आ गया। सो द थिंग्स आर कंप्लीटेड, द ओनली थिंग इज दैट आई हैव टू क्रिएट अ एचटीएमएल फाइल नाउ। सो जाओ यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल बनाओ, ओके याद है ना, ओके शायद से मैंने कैल ही नाम दे दिया। अभी यार यहाँ पे तुम लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप लोग फॉर्म नाम का टैग, यहाँ पे लिखोगे मेथड, दैट मेथड विल बी गेट, एंड देन लिखोगे आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन। क्या एक्शन है यार, कहाँ पे जाने का है, कैल के पास जाना है, किसके पास, कैल। सो कैल के पास जाना है, बता दिया। अब इसके पास दो चीज़ें हैं, इनपुट, अरे हाँ टाइप टेक्स्ट, आई थिंक सो इसका जान निकल रहा है, ओके। एंड देन नेम इज इक्वल्स टू क्या है, नम वन, दैट्स इट, श्योर दिस इज नम टू, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नीड इट, इट्स कॉल्ड अ सबमिट बटन, राइट। उसका नेम है कैलकुलेट, उसका नेम नहीं होता, वैल्यू होता है। नेम तभी देना है जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब। अब यहाँ पे ऑपरेशन करने का, तो सिलेक्ट लेंगे, उसको नेम देंगे ओपी, ड्रॉप डाउन है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे कुछ तो चाहिए, तो आई नीड सम ऑप्शंस, राइट। ऑप्शंस हाउ मेनी ऑप्शंस आई नीड, 4 ऑप्शंस, कॉपी इट। यहाँ पे मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, क्या क्या वैल्यू था, ऐड, ओके मतलब प्लस। लेट्स कॉपी इट, पेस्ट इट, पेस्ट इट, पेस्ट इट। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सब मतलब माइनस। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, डिव मतलब डिवीजन। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, एस्ट्रिक, अरे एस्ट्रिक, दैट्स इट। तो यहाँ पे नम वन मैच कर रहा है, नम टू मैच कर रहा है, सीक्वेंसिंग डजंट मैटर्स, ओपी मैच कर रहा है, यार काम तो हो गया। लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स रन इट। हो तो गया, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ 10 एंड यहाँ पे लिखता हूँ 20। क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेटेड। हे मैन व्हाट हैपेंड, इनपुट टाइप बटन दिया यार, बटन नहीं रहता, सबमिट रहता है, ओके। सबमिट जब लिखोगे तभी यहाँ पे वो एक्शन के पास चला जाएगा। अभी चलो यहाँ पे लिखते हैं 10, यहाँ पे लिखते हैं 20, और देन यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, कैलकुलेट, दैट्स इट, गो बैक, लेट्स राइट, गो बैक, मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट, वेरी सिंपल, ओके। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है रे, ये तो फालतू HTML का कोड है, और ये भाई जो चाहिए था, 4 ऑपरेशन, इफ एल्स इफ कंडीशन, और कुछ नहीं है, ओके?